ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। भक्त्याविहीनापराध लक्ष्यै क्षिप्तासि कामादि तरंग मध्यै कृपामहि त्वां शरणं प्रवरना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बरासे हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकै हे भट्ट जुग्म सुमति रघुनाथ दास श्रीजीव मे कुरुत मंद मतिर दयांग बराक। तमादि देवं करुणा निदानम् तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं। जंग प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
गौर भक्त वृंद सब एक हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमात भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमात भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त त्रिदंडी पादगण भक्ति वेदांत सार महाराज बन महाराज माधव महाराज श्री पद्मनाभ महाराज रामचंद्र प्रभु अन्य अन्य समस्त वैष्णव वैष्णवियों को चरण में यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे इंद्र पूजा को उन्होंने बंद करवाया और श्री गिरिराज गोवर्धन उन्होंने पूजा की है। बोले श्री गिरिराज महाराज की और जोर से बोलो हमारे डोरीलाल प्रभु का ही आवाज आ रही। बोले श्री गिरिराज महाराज की। हाँ, यहाँ प्रश्न होता है कृष्णा इंद्र पूजा क्यों बंद कराए और उन्होंने गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवाए क्यों? कहते इसको पीछे हमारे टीकाकारों ने बड़ी बड़ी रहस्य बताए। आज मैं इसका 5 रहस्य बताऊंगा। कितना? कल सबसे पूछूंगा, फिर देखता हूँ कल कौन बोल पाता है। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ, इसका पहला कारण बताए, ये ब्रजवासी कौन है? ये ब्रजवासी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ब्रह्मा जी कहते हैं। भले आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी स्थाभीर एव निज रूप कला तया भी। जब कृष्ण लीला करना चाह रहे थे कृष्ण गोलोक वृंदावन में कल्प वृक्षों के नीचे प्रभु खड़े हुए हैं। कृष्ण अकेले सोच रहे हैं लीला करने के लिए, लेकिन अकेले स्वरूप में तो लीला कर ही नहीं सकते। अभी उनकी बाम अंग से इतने में उनका बाम अंग फड़कने लगा। फड़कते फड़कते देखा एक दिव्य सुंदरी, मानो विश्व ब्रह्मांड की सौंदर्य तक लेकर के एक रूप धारण करते हुए उनकी बाम अंग से प्रकट हुई। वो था रास मंडल, इसलिए पहला नाम इनका पड़ गया रा। अब वो प्रकट होते ही सुंदर सुंदर पुष्पों को चयन करते हुए कृष्ण की सेवा के लिए उन्होंने धावित हुई, इसलिए इनका नाम पड़ गया राधा, श्रीमती राधा रानी की। अभी 1-2 हो गए, लेकिन जैसे फुटबॉल खेलते हैं क्रिकेट खेलते 2 से थोड़ी काम चलता है। अभी तो 1-2 हो गए। अभी राधा रानी चाहती हैं मैं अनंत रूप में कृष्ण की सेवा करूं। तब राधा जी की एक एक भाव ही ये ब्रज गोपियों का रूप धारण किया है। ललिता विशाखा चंपकलता तुंगविद्या चित्रा सुचित्रा रंगदेवी सुदेवी अलग अलग रूप में अनंत सखियाँ रूप मंजरी रति मंजरी लवंग मंजरी ये सब के सब प्रकट हुए हैं। इसलिए ये सब के सब ब्रजवासी कौन हैं? ये सखा लोग सखियाँ कौन हैं? बोले आनंद चिन्मय रस की वो एक एक विभावित एक एक रूप है। लेकिन इनके अंदर में कितने शक्ति है, कितने शक्ति? कहते इनकी चरण धूल में इतने शक्ति, एक ब्रह्मा नहीं, एक इंद्र नहीं, एक स्वर्ग नहीं, करोड़ करोड़ स्वर्गों को इंद्र को ब्रह्मा को इनकी चरण की धूल प्रकट कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष। इसलिए वृंदावन धाम का धूल नहीं, वो सब के सब चिंतामणि हैं। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं ये ब्रजवासी कौन है, सबके सब मेरे काहे भी हो है।
वो मेरी प्रकाश है, लेकिन ये पूजा किसको कर रहे हैं? बोले इंद्र को। बोले इंद्र कौन है? कहते 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर कोई इंद्र पद को प्राप्त हो सकता है, लेकिन करोड़ों अश्वमेध यज्ञ से भी ब्रज की एक धूल को कोई प्राप्त नहीं कर सकते। ब्रज की एक धूल को प्राप्त नहीं कर सकते करोड़ों अश्वमेध यज्ञ में, लेकिन ये ब्रजवासी लोग पूजा किसको कर रहे हैं? बोले इंद्र की पूजा कर रहे हैं। कहाँ ब्रजवासी निर्गुण, कहाँ इंद्र गुण युक्त है, हैं? ये रजगुण संपन्न है और निर्गुण व्यक्ति रजगुण की पूजा करेंगे। बोले अभी मजा चखाता हूँ, ये पहला कारण। दूसरा कारण बताए, बोले देखो हमारे हिंदू में तो 33 करोड़ देवता है, अब बताओ कितने देवता को पूजा करोगे? दिन में अगर 1 करोड़ पूजा करते हो 30 दिन में कितना हो जाएगा? 30 करोड़, फिर 3 करोड़ बाकी रह गया ना। आप ये जगत में किसको मना नहीं सकते हो, एक मनाओ देखना, दूसरे मुंह फुला करके बैठ गया, दूसरे को मनाओ तीसरे मुंह फुला करके बैठ जाएगा। अभी कितने को पूजा करोगे, कितने को मनाओगे? इसलिए बोले जा पर कृपा हरि की होई और ता पर कृपा करे सब कोई। जब हम भगवान कृष्ण को उपासना कर लेते हैं, भैया ये 33 करोड़ देवता को पूजा करने का कोई जरूरत नहीं, इसको मनाओ उसको मनाओ उसको मनाओ, हैं? इसलिए कृष्ण ने देखा ये ब्रजवासी लोग इंद्र पूजा कर रहे हैं, बोले इंद्र पूजा करने का जरूरत नहीं, पूजा करना तो किसकी पूजा करना? बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। ये गिरिराज श्री गोवर्धन की पूजा करो। गिरिराज, गिरिराज कौन है? कृष्ण स्वयं महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को 2 चीज दिया था, एक गिरिराज शिला, बोले रघुनाथ ये गिरिराज नहीं ये कृष्ण है, एक गुंजा माला, बोले ये गुंजा माला नहीं ये श्री राधा रानी। इसलिए गिरिराज कौन है? बोले श्री गिरिराज साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। एक रूप में तो उन्होंने पूजा को स्वीकार की और दूसरे रूप में उन्होंने पूजा को करवाए, कृष्ण स्वयं कृष्ण को पूजा कर रहे थे। इसलिए जिस समय कृष्ण पूजा कर रहे थे ना, जब उन्होंने कल देखा ना कितना 56 भोग लगाए थे, जब उन्होंने गिरिराज के आह्वान की, गिरिराज जी कृपा करके आरोगो सेवा करो, इतने में स्वयं गिरिराज विशाल रूप धारण किया, इतना बड़ा रूप धारण किया था मानो आकाश को स्पर्श कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि आप बोले देखो मैं स्वयं गिरिराज गोवर्धन हूँ, आज का दिन जो मेरे पूजा कर रहे हैं, मेरी पूजा में एक अर्ण की दाना लगाए, किसी जीवन में घर में कभी अर्ण वस्त्र की अभाव नहीं पड़ेगा, मैं स्वयं गिरिराज गोवर्धन। ब्रजवासियों ने देखा, बोले भैया दाल में कुछ काला लग रहा है। बोले क्यों? बोले हमारे जो कन्या है ना, वो जैसे देखने में कन्या है, ये गिरिराज तो वैसे ही लग रहा है। भैया दाल में तो कुछ काली नहीं? बोले दाल में काली नहीं, पूरा ही काली है पूरा ही काली है, क्योंकि वो कृष्ण ही स्वयं गिरिराज रूप धारण किए हैं स्वयं। इसलिए आप लोग वृंदावन ये गोवर्धन परिक्रमा लगाए होंगे, वहां पर देखे होंगे जो हरिदेव है वहीं पर ही कृष्ण गिरिराज उठाया था। जो हरिदेव है वो स्वयं गिरिराज का स्वरूप श्री हरिदेव है। इसलिए ये गिरिराज कौन है? ये गिरिराज स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है, ये गिरिराज रूप धारण किए। इसलिए कृष्ण ने किया कि बोले भैया इंद्र की पूजा करने का जरूरत नहीं। बोले इंद्र कौन है? बोले स्वर्ग के राजा है, स्वर्ग के राजा समस्त देवा देवियों का राजा श्री इंद्र है। छोटे मोटे देवता की बात छोड़ दो, जो देवता को जो राजा है ना कृष्ण, उन्होंने पूजा बंद करवा दिया। बोले कोई जरूरत नहीं पूजा करने की, पूजा करना तो गिरिराज की पूजा करो। देखो और एक बहुत अच्छी शिक्षा दिया, ये चीज को समझो। बाद में इंद्र बिगड़ गया, बोले कि छोकरे को बात सुन करके इतने दिन से ये मेरी पूजा करते हुए आ रहे थे, छोटे एक बालक की बात सुनकर मेरी पूजा बंद कर दिया। अभी मैं ब्रजवासियों को दिखाता हूँ, उनने आगे हम सुनेंगे 7 दिन तक उन्होंने मूसलधारा से बारिश किया है। जब ब्रजवासियों ने कृष्ण शरण में आए, कृष्ण ने क्या किया? बोले कोई चिंता मत करो, हम सबके सब श्री गिरिराज की पूजा की है, वही हमें रक्षा करेंगे।
कृष्ण ने बाम हाथ का बाम अंगुल में उन्होंने गिरिराज को उन्होंने उठा लिया। बोले श्री गिरिराज महाराज की। लास्ट में क्या हुआ, इंद्र को माफी मांगना पड़ा कि नहीं? हाँ, ये चीज को समझ लो, कभी कभी हम भ्रमित तो हो जाते हैं। क्या भ्रमित? बोले अगर सब देवता का पूजा छोड़ करके अगर कृष्ण पूजा करेंगे फिर कोई पीछे तो लेने लग जाएगा, कोई तो हमारे बिगड़ नहीं देगा। तो अगर शंकर जी अगर बिगड़ गए, मैया काली देवी देवी अगर बिगड़ गए, हनुमान जी गणेश अगर बिगड़ गए तो क्या होगा? मन में शंका रहती है ना। लेकिन ये कहते भैया कोई चिंता मत करो, जाके राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह बहरी हो, इसलिए कोई चिंता मत करो। कहते ये दूसरा कारण है। बोले तीसरा कारण क्या है? बोले इंद्र का अभिमान है। क्या अभिमान है? मैं स्वर्ग का राजा हूं, मेरे अधीन में ये परजन्य मेघ है, अगर मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा फिर ब्रजवासी तो भूखे मर जाएंगे, घास नहीं उगेगा, खेती नहीं होगी, सब घास गैया घास खाते हैं, दूध देते हैं, दूध से मक्खन राबड़ी मिठाई जो कुछ बनता है, तो मर जाएंगे सब के सब। ये अभिमान था किसकी? इंद्र की। ये अभिमान था, ये मैं स्वर्ग का राजा हूँ। कृष्ण बोले तू स्वर्ग का राजा और तू पानी देने पर ब्रजवासी बच्चे हुए रहते हैं, अभी तेरे को मजा चखाता हूँ, देख हैं तेरे को मैं मजा चखाता हूँ। इसलिए अगर नंद बाबा बोलते कन्हैया मेरी जूती ले आ, कृष्ण क्या करते हैं? ठुमक 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 कर जाते हैं, हाथों में नहीं अपना सर पर धर करके कृष्ण आते हैं। नंद बाबा सोचते लाला मेरे कितने अच्छे है, मैंने कहा जूती ले आओ हाथ में नहीं सर पर रख करके ले आया, लाला जब बड़ा होगा ना मेरी बड़ी सेवा करेगा। नंद बाबा जो पान खाते हैं कृष्ण क्या करते हैं? मुंह में अंगुल डाल करके निकाल करके उसका झुठन खाते हैं। नंद बाबा जब बैठ करके कृष्ण बलराम को कढ़ी चावल खिलाते हैं, वो एक और तो कन्हैया को और एक और दाऊ भैया को और एक कर खुद खाते हैं। मतलब क्या? नंद बाबा का झूठा कृष्ण खा रहे। बोले जिनकी झूठन में खाता हूँ, जिनकी जूती में स्वयं सर पर धारण करता हूँ, और ये इंद्र क्या सोच रहा है, इनका ये राजा ये प्रजा हो गए, अभी तेरे को मजा चखाता हूँ हैं, अभी तेरे को मजा चखाता हूँ। उन्होंने क्या किया? बोले इंद्र पूजा करने का जरूरत नहीं, पूजा करो तो किसकी पूजा करो? श्री गिरिराज महाराज को पूजा करो। कितना कारण हो गया, कितना कारण हो गया, कोई सुन नहीं रहे हो, कल चुपचाप बैठे हुए। मैंने पहले कहा था ना कि कॉपी और पेन लेकर गाना लिखना, ऐसे नहीं यही कथा सुने और पल्लू झाड़ कर चले गए। सब चीज को याद करो, दूसरों को जाकर घर में कथा सुनाना। गुरुदेव हर समय कहते थे परिक्रमा में, जब दूसरी बार आओ 10-10 लोगों को लेकर के आओ। कब लेकर के आओगे? ऐसे छोड़ी आ जाएंगे, जब उनकी कथा सुनाओगे तब तो आओगे ना, जब कथा सुनाओगे तब का आएगा ना, वैसे आ जाएंगे। इसलिए मैं दूसरा बार जब आऊँगा ना, मैं देखूंगा एक एक भक्त लोग 10-10 भक्तों को बना करके लाए, तब मैं समझूंगा भैया तुमने कथा ठीक से सुनी, नहीं तो सुसुगा इधर सुनी और इधर निकाल करके चले गए, पल्लू झाड़ करके चले गए। ठीक है, कितना कारण हो गया? पूछूंगा क्या क्या है। हाँ, चौथा कारण सुना। बोले चौथा कारण बताए, अभी भगवान कृष्ण रास रचना चाह रहे हैं लेकिन वो अकेले तो रास कर ही नहीं सकते हैं, जब तक राधा रानी नहीं हो, ब्रज गोपियां नहीं हो, तब तक तो कृष्ण रास कर ही नहीं सकते हैं। अभी कृष्ण सोच रहे हैं, जैसे एक हीरो क्या करता है, जब किसी हीरोइन को आकर्षण करना चाहता है, आप लोग तो सिनेमा देखे होंगे, वो क्या करता है, हीरो कुछ गुंडों को इकट्ठा कर देता है, करके ना वो हीरोइन को सामने उनको साथ में खूब मारपीट करेगा, और मारपीट करते 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 सबको हरा देगा। हरा देने पर जो हीरोइन ही ना देखता है, भैया ये तो बड़ा बलवान है, हाँ ये तो बड़ा बलवान है, क्या होता है वो अपने आप उसको प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। कहते ब्रज का हीरो कौन है, ब्रज का हीरो कौन है, ठाकुर जी कृष्णा, और हीरोइन कौन है, राधा रानी, और जितने ये ब्रज गोपियां। अभी कृष्ण सोच रही है हीरोइन को मैं आकर्षण कैसे करूं, इसलिए ठाकुर जी, इसलिए उन्होंने दो लीला की है, एक तो कालियों को सर पर उन्होंने नृत्य किया है, इसलिए कृष्ण कालियों का 100 सर था,
जब उसके सर पर नृत्य कर रहे थे ना, वो एक साथ में कृष्ण को काटना चाह रहे थे, एक साथ में कृष्ण एक सर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे उन्होंने नृत्य कर रहे थे, चरण की ठोकर मार रहे थे। इतने में स्वर्ग से समस्त देवता लोग उतर करके आ गए हैं और अपना वाद्य यंत्र को साथ में, और कृष्ण नृत्य कर रहे थे, वो वाद्य बजा रहे थे, बोले तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, पम 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 पद पद गत पम 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 पन पौ पर बिंग 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 बिनती करत, बिंग 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 बिनती करत, नाग भगवाली तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, हसन सन 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 कार्तिक गन 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 गंधर्व गान सन सन गन 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 गंधर्व गान, नाम 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 नारद मुनि, नाम 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 नारद मुनि, सावधे सताली तांडवे तांडवे गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, अबम बम बलिहारी। शंकर जी का नृत्य को कहते तांडव नृत्य। शंकर जी पहले सोच रहे थे जगत में जितने सारे नाचने वालों में मैं सर्वश्रेष्ठ नृत्यकार हूँ, लेकिन जब भगवान क्या दिखाया, बोले कोई रस्सी के ऊपर नाचते हुए देखते होंगे, कोई तलवार के ऊपर नाचता है, कोई सर के ऊपर मटकी रख करके नाचते हैं, कोई दिया रख करके नाचते हैं, लेकिन कभी देखे हो सांप के सर के ऊपर किसको नाचते हुए कभी देखे हो? ठाकुर जी बोले देखो जितने सारे नाचने वालों में मैं सर्वश्रेष्ठ नृत्यकार हूँ, क्यों? आज मैंने सांप के सर पर नृत्य की, वहाँ पर जितने सब ब्रज गोपियाँ थी, ये गोपियाँ देख देख करके बोले हम बड़े बड़े कलाकारों को देख के नाचते हुए, लेकिन इस सांप के सर के ऊपर किसको नाचते हुए हमने नहीं देखा। बोले श्री कालिया नथन भगवान की। इसलिए ठाकुर जी एक लीला उनने किया कि कालियों को सर पर ठाकुर जी नृत्य की, बोले दूसरे लीला की उन्होंने किया कि बोले गिरिराज गोवर्धन को धारण किया है। कृष्ण कितने उम्र में धारण किया? 7 साल में। कितने बड़े गिरिराज है? 7 क्रोश है। कितने दिन तक धारण की? 7 दिन तक धारण की। कोई कोई कहते हैं ना, अरे मेरे लिए ये थोड़ी बड़ी बड़ी बात, हम तो उसको उल्टा हाथ में भी कर सकता हूँ, कहते बाम हाथ नहीं सबसे कनिष्ठ अंगुल पर मैं कर सकता हूँ, कनिष्ठ अंगुल गोबर नहीं कृष्ण नख गोबर श्री गिरिराज उठा लिए, श्री नख गोबर भगवान गिरिराज उठा लिए। इसलिए कहते ये लीलाओं को देख करके जितने गोपियां थी ना, सब तन मन सब कुछ कृष्ण के चरण में समर्पित कर दिया। बोले बाबा बड़ा बलवान है। फिर ठाकुर जी इसको बाद में, ठाकुर जी ये रासलीला को, ठाकुर जी इसको बाद में रासलीला करते हैं। इसलिए ये समस्त कारण है कृष्ण गिरिराज को उनने क्यों उठवाए। जब 1 साल बीत गया, इंद्र बड़े दिनों से 1 साल से इंतजार करते हैं, बोले क्यों? बोले ब्रजवासी लोग लड्डू कचौड़ी मालपुआ रसमलाई हैं, दाल बाटी चूरमा, शाही पनीर मटर पनीर, साल में एक बार कितने गांव, बोले 365 गांव अभी भी ब्रज में देखोगे, तरौली बरौली सही ऊंचा गांव बरसाना हैं, वहां पर देखोगे कोसी, वहां पर अभी भी 365 गांव देखोगे, और इतने सारे गांव के लोग इतने बढ़िया बढ़िया भोजन लाए। अगर कोई व्यक्ति 1 साल से इंतजार करता है आज का दिन बढ़िया बढ़िया भोजन मिलेगा, अगर उसको कोई खा ले गुस्सा होगा कि नहीं? आप लोग गुस्सा हो जाओगे कि नहीं? अभी इंद्र को तो इतना गुस्सा चढ़ गया, बोले भैया इस बार ये ब्रजवासी क्यों पूजा नहीं कर रही है, देख कर के आओ। तो एक दूत को भेजा,
उसने आकर के देखा इंद्र के लिए जो बढ़िया बढ़िया रसमलाई बना था, कृष्ण तो लेकर के सबके सब गिरिराज की पूजा करवा रहे। उसने जा करके इंद्र को शिकायत कर दी। इंद्र तो कृष्ण को गाली देने लग गया, बोले स्तब्ध बालक अज्ञानी, बाचाल बोल कर कृष्ण को गाली देने लग गई। बोले साधारण एक बालक की बात को छोड़ करके इतने सालों से जो मेरी पूजा हो रही थी इसको बंद करवा दिया। संवर्तक मेघ अणचास पवन को बुलाया, बोले ऐसे मुसलधारा से बारिश करो जैसे ब्रज नाम का कोई गांव नहीं रह जाए। क्या मुसल हाथी के सूर के जैसे बारिश आंधी तूफान और ऐसे मोटे मोटे बड़े बड़े बोले गिर रहे थे, मानो ब्रज में पूरा के पूरा प्रलय आ गया। जितने ब्रजवासी थे कृष्ण को पास में गए, बोले कृष्ण देख तेरे बात को सुन करके हमने इंद्र पूजा बंद की, देखो ये इंद्र क्या नटखट कर रहा है। बोले चिंता क्यों करते हो, सारे सामान को लेकर गिरिराज तलेट में जाओ, क्योंकि हम सबके सब इंद्र की पूजा की, इंद्र हमें लाज बचाएगा, गिरिराज की पूजा की, गिरिराज हमारी लाज बचाएगा। सबके सब आए, जैसे एक छोटा बच्चा जैसे छतरी को उठा लेता है, ऐसे ही कृष्ण बाम अंग बाम हाथ और छोटे अंगुल और नख को पर श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठा लिया। बोले गिरिराज बाबा की, बोले कोई चिंता मत करो, सबके सब गिरिराज तलेटी में आ जाओ। यहाँ पर प्रश्न होता है कृष्ण कितने गोपियों के साथ में रास किया, बोले 100 करोड़, कहीं कहीं आता है 300 करोड़, इतने गोपियों के साथ में रास किया। कृष्ण की गैया कितना थे, 11 लाख, नंद बाबा का कृष्ण का 9 लाख और श्री वृषभानंद महाराज का 11 लाख, फिर दूसरे दूसरे सखा की। आप बताओ इतने सारे लोग गिरिराज के नीचे कैसे आ गए, हैं गिरिराज के नीचे इतने लोग कैसे आ गए फिर। तो यहाँ पर हमारे टीकाकार लोग कहते हैं स्वर्ग में एक है सुधर्मा सभा, इसकी वैचित्रता है, अगर 100 लोग आए ना उस वहाँ बैठ जाएंगे, लेकिन एक जो कुर्सी वो कभी पूरी नहीं होगी, कुर्सी खाली रहेगी। अगर करोड़ लोग आ जाए ना बैठ जाएंगे तब भी एक कुर्सी खाली रहेगी, कभी एक कुर्सी कभी पूरी नहीं होता है, हर समय खाली रहेगा। कहाँ, बोले स्वर्ग की सुधर्मा सभा में। और जो वृंदावन धाम तो स्वर्ग मोह जन तप सत्य, उसके बाद में क्या है ब्रह्मलोक वैकुंठ, उसके बाद में अयोध्या द्वारका मथुरा और श्री गोलोक वृंदावन है। इसलिए जो वृंदावन वो चिंतामणि, वृंदावन धाम कोई साधारण भूमि नहीं, कोई साधारण भूमि वृंदावन नहीं। इसलिए वहाँ पर सबके सब आ जाना ये कोई बड़ी भारी बात नहीं। सबके सब नीचे आ गए, नीचे आ करके मैया जसोदा कन्या को बेर बेर मथन खिला रही थी, लाला को भूख नहीं लग जाए, हाथ ऊंचा की थी ना, हाथ में मालिश कर रही थी, लाला का हाथ का दर्द नहीं हो जाए हैं। इतने में कुछ ब्रजवासी जो सखा लोग थे बोले कन्हैया तू कब तक गिरिराज को उठाओगे, हम भी थोड़ा तेरे को मदद कर देते हैं। सबके सब डंडे लेकर ना लगा दी, बोले कन्हैया तू कब तक धारणा करोगे, थोड़ी रेस्ट तो ले ले, विश्राम ले ले। कृष्ण ने कहा भैया तुमसे गिरिराज नहीं टिकेगा। बोले क्यों, क्या मैया का दूध तू अकेले पी कर रखा, हमने क्या मैया का दूध नहीं पिया, हम भी मैया का दूध पिए, हाथ नीचे कर हम भी गिरिराज उठा लेंगे। इतने में कृष्ण जब धीरे धीरे हाथ को नीचे किया ना, जो डंडा था सारे डंडा तो चटकने लग गया, टूटना शुरू हो गया। बोले कन्हैया हमसे गिरिराज नहीं उठेगा, तू ही ये गिरिराज को तू नहीं तू ही उठा ले हैं। इतने में सारे ब्रजवासी वहां पर, इतने में वहां पर राधा रानी आ गई। जब राधा रानी आ गई, राधा रानी को कृष्ण दर्शन करते ही हमारे से प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं बोले बंसी करान निपतितम स्खलितम शिखंडम भ्रष्ट च पीतवसनम ब्रजराज सुन। बोले राधा रानी के ऐसे प्रेम हैं, जब राधा रानी एक बार कृष्ण को अपना तिरछ चितवन से दर्शन करती हैं, कन्या का जो बंसुरी ना वो गिर जाती है, जो मयूर मुकुट वो भी गिर जाती हैं, कभी कभी तो कन्या ही खुद गिर जाते हैं, कन्या खुद ही गिर जाते हैं। जब राधा रानी सामने आ गई, कृष्ण राधा रानी को देख करके अपना को सही नहीं कर पाए, स्थिर नहीं रह पाए। कृष्ण तो जो गिरिराज गोवर्धन का डगमग डगमग करने लग गया,
इतने में सखाओं ने बोले कन्हैया किधर देख रहे हो, इधर उधर मत देखा करो, क्योंकि राधा रानी के तरफ में देख रहे, इतना कृष्ण राधा जी की प्रेम में विभोर होकर के। अब देखो कृष्ण राधा जी के पास में कृष्ण है ना, पता है ये कृष्ण तीन जगह से टेढ़े क्यों हो गए बताओ? कारण है राधा जी की ऐसे प्रेम है ना, कृष्ण जब श्री किशोर जी को साथ में होते हैं कृष्ण अपने आप को संभाल नहीं पाते, कृष्ण संभाल नहीं पाते हैं, इसलिए राधा जी की प्रेम में ही कृष्ण देखो ये तीन जगह में टेढ़े, इसलिए कृष्ण क्योंकि चूंकि राधा जी के पास में खड़े हुए हैं, वो राधा जी के प्रेम में ही तीन जगह से कृष्ण यहाँ पर खड़े हो गए हैं। बोले श्रीमती राधा रानी की, इतने में राधा जी की जो शरीर को गोपियों ने उन्होंने राधा जी का शरीर को कपड़े से ढक दिया, क्यों? कृष्ण दर्शन करने पर डगमगा रहा था गिरिराज गोवर्धन, और राधा रानी ना एकदम तेरछ चितवन से गिरिराज को देख रहे, बोले गिरिराज जहां के तहां वहीं पर खड़े रहो, अगर तू नीचे उतरोगे ना तेरे को मैं जला करके राख बना दूंगी। इसलिए ब्रजवासी कहते हैं ना, कछु माखन को बल बढ़ो, कछ गोपियों ने करी सहाय, और राधा रानी की कृपा से गिरिवर उठाए। इसलिए गिरिराज को किसने धारण किया है, अरे बोलो किसने धारण किया? इसलिए सुख सारी संवाद में सुख कहता है मेरे कृष्ण तो गिरिराज उठाए थे, महिना कहते चुप रह गिरिराज कृष्ण उठाए थे, बोले किसने उठाया? बोले बताओ कृष्ण जी गिरिराज उठाए कौन सा हाथ से? बोले बाम हाथ से। बोले बताओ कौन सा अंगुल में? बोले बाम अंगुल में। बोले उठाया था कैसे? बोले शक्ति से। बोले बताओ कृष्ण का शक्ति कौन है? अरे जोर से बोला, इसलिए गिरिराज किसने उठाया श्री? बोले राधा रानी की, इसलिए गिरिराज उठाए थे, और सारे ब्रजवासी उसको नीचे आनंद पूर्वक कृष्ण को दर्शन करते हुए, इंद्र ने कितने दिन तक बारिश किया था? जोर से बोलो, आप बताओ, आपको अगर यहाँ एक घंटा खड़े होने के लिए बोलता हूँ ना, खड़े हो जाओगे? तीन घंटा तो बैठ जाते हो, किसको बोलो एक घंटा खड़े हो, देखना 10-20 मिनट खड़े हो जाना, बोले कब बैठने का सुझाव हो, कब बैठे। लेकिन कृष्ण 7 दिन तक बारिश हुई और 7 दिन तक कृष्ण गिरिराज उठाए, और ब्रजवासी 7 दिन तक इनकी खड़े कैसे रहे या खड़े कैसे रहे? तो इसका कारण बताते हैं, जब कृष्ण को दर्शन कर रहे थे ना, कृष्ण को दर्शन करते समय इनको इतने आनंद हो रहा था, इसलिए श्री रूप गोस्वामी विशेष करके कहते कृष्ण के अंदर में चार माधुर्य है, चार माधुर्य में बोले सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल बारिधि अतुल माधुर्य प्रेम मंडित प्रिय मंडलम त्रिजगत मानसाकर्षी मुरली कलकुजित असोमानार्ध रूप श्री भीष्मापीतम चराचरम। कहते कृष्ण गंधर्व विशेष करके चार माधुर्य है, और किसी देवा देवी यहाँ तक भी किसी भगवत अवतार में भी ये माधुर्य नहीं। कहते चार माधुर्य, पहला माधुर्य वेणु माधुर्य है, बताओ कन्हैया का सिवाय किसने बंसरी बजाए? कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते थे भागवत में वेणु गीत पूरा आती है, जिसे बंसी ध्वनि सुन करके यमुना जैसे ऐसे बहती हैं, लेकिन बंसी ध्वनि सुन करके पानी जहाँ के तहाँ स्थिर हो जाती थी, और पानी जैसे ऐसे बह रही है स्थिर होगा तो इधर पानी आएगी, फिर वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर भंवरा पड़ जाती थी, और वहाँ पर सुंदर सुंदर कमल फूल को लेकर के ये क्या करती, यमुना कृष्ण को चरण में अर्पण करती थी। बंसी ध्वनि सुन करके आकाश में जो मेघ है ना, कृष्ण का रंग भी काला है, मेघ का रंग भी काले है, इसलिए मेघ स्वस्थता कृष्ण हमारी दोस्त है। जब कृष्ण चलते थे गैया चरण करते थे, ये मेघ जैसे सर के ऊपर छतरी धारण करते ना धूप में, मानो ये मेघ कृष्ण को साथ साथ में चलता था, और फुहारा जैसे स्नान करते हैं कृष्ण को, बड़े सुंदर फुहारा जैसे पानी से कृष्ण को ये अभिषेक कर देता था। इसलिए कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन करके कहते जो गैया जो घास खाते थे वो घास खाना भी भूल जाती थी गैया, और बछड़े दूध पीना भी बछड़े भूल जाते थे कृष्ण की बंसी ध्वनि को सुन करके। कहते कहते जितने पक्षी हैं
कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन करके वो सब के सब मौनी बन जाते थे। मानो लगता था ये बड़े बड़े ऋषि मुनि पूर्व जन्म में तपस्या करके अभी ब्रज में ये पक्षी रूप में धारण किया है, हैं पक्षी रूप में आए हैं। इसलिए पूरा श्रीमद् भागवत में एक गीत है जिसका नाम वेणु गीत, जिसका नाम बताए। और जितने वृक्ष हैं, जितने सारे वृक्ष हैं जमुना किनारा में, कहते कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन करके कहते सुंदर, कहते जमुना में ये फूल खिली जाती थी। बोले ये फूल क्यों खिली जाती थी? बोले कारण है यमुना का किनारे में बांस का वृक्ष होता है, बांस की वृक्ष, और ये वेणु क्या है, ये बांस के एक टुकड़ा ही वेणु है। और कृष्ण क्या कर रहे हैं, वो बंसरी को लेकर के बजाते हैं। इसलिए कभी कभी राधा रानी बोलती है ना, अगली जीवन में मैं और राधा नहीं बन करके आऊँगी, बन करके आऊँगी तो ये बंसुरी बन करके आऊँगी। बोले क्यों? बोले देखो कृष्ण गोप, हम गोपी, कृष्ण की अधरामृत में किसके अधिकार है? हमारी अधिकार। लेकिन ये बांस की एक टुकड़ा होकर के पूर्व जन्म में इसने क्या ऐसे तपस्या की है, कृष्ण कभी भी ये बंसुरी को छोड़ते नहीं। कृष्ण कभी बंसुरी छोड़ते हैं? कभी हाथों में, कभी कमर में, कभी अधर में। और कृष्ण जब बंसुरी को अधर में जैसे बंसुरी बजाते हैं, गोपियाँ कहती हैं कृष्ण बंसी नहीं बजा रहे क्या? बोले जो बंसुरी है कृष्ण की, जो अधरामृत को ये पान कर रहा है। कृष्ण की होठ कैसे है? बिंब फल जैसे बड़े सुंदर हैं। लेकिन देखो बिंब फल जैसे कृष्ण के अधरत है, लेकिन ये बंसुरी सारे रस को पान कर रहा है। पान करते 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 देखो कृष्ण का होठ कैसे हो गया, नील हो गया। नील हो गया मतलब क्या है? ये बंसुरी ने सारे को सारे कृष्ण की अधरामृत को उसने पान कर लिया। इसलिए राधा रानी कहती है देखो कृष्ण बंसुरी को कितने सम्मान देते हैं, मेरे तरफ में देखो कृष्ण कैसे बंसुरी बजाते हैं, ऐसे ना, ऐसे बंसुरी बजाते हैं ना। राधा रानी कहती हैं जैसे कोई राजा महाराजा की सेवा हो रही है बंसुरी से, जैसे राजा महाराज डल्लभ गद्दी के ऊपर विश्राम करते हैं, कृष्ण का अंगुल कितने मीठा है, कितने कोमल है। कहते मानो ये डल्लभ गद्दी के ऊपर कौन है, ये बंसुरी शयन कर रहा है। उसको बाद में कोई सेवक जैसे चरण दबाते ना राजा की, कृष्ण ऐसे अंगुल चलाते, बंसुरी बजा तो अंगुल चलाना पड़ता कि नहीं? बोले ये अंगुल नहीं चला रहे हैं, बोले क्या कर रहे हैं? बोले ये बंसुरी की चरण की सेवा कर रहे हैं। आंखों का जो पलक झपती हैं, बोले ये पलक नहीं झप रहा है, क्या कर रहे हैं? जैसे राजा महाराजा को जैसे छतरी, जैसे राजा महाराज को जैसे पंखा झुलाता है, ये आंख का पलक नहीं पंखा झुला रहे हैं। कान में कुंडल है, बोले ये कुंडल क्या है? जैसे किसी राजा महाराज का सर के ऊपर में छतरी धारण करते हैं, मानो ये बंसुरी को उन्होंने छतरी धारण करके रखे। इसलिए राधा रानी कहती हैं अगली जीवन में मैं और राधा नहीं बन करके आऊंगी, आऊंगी तो क्या बन करके आऊंगी, बांसुरी में बन करके आऊंगी। फिर कृष्ण कभी मेरे को छोड़ेंगे नहीं, कृष्ण को साथ में रहा करूंगा, कृष्ण की साथ में रहा करेंगे। बोले ये बंसुरी ने पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा पुण्य की है जो कि ये बंसुरी बन करके आई? बोले ये रहस्य को पौर्णमासी जानती है, क्योंकि पौर्णमासी सर्वज्ञ है, सब जानती है। चलो हम श्री पौर्णमासी को पूछेंगे इसने पूर्व जन्म में इसे कौन सा पुण्य की थी जो कि ये बंसुरी बन करके आए, हम भी ऐसे पुण्य करके अगली जीवन में हम भी बंसुरी बन करके आएगी। क्या बोल रहे हैं, कौन बोल रही है, जोर से बोलो। कहती है राधा रानी कहती है मैं अगली जीवन में बंसुरी बन करके आऊंगी। इसलिए यहाँ पर गोपियां कहती हैं ये जो बंसुरी बांस के एक टुकड़ा है, बांस के एक टुकड़ा बंसुरी है ना, इसलिए कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते हैं ये वृक्ष से मधु झरना शुरू हो जाता है। बोले भाई ये वृक्ष से मधु क्यों झरता है? बोले इसलिए मधु झरता है ये वृक्ष संतुष्ट हो जाते हैं। बोले क्यों संतुष्ट हो जाते हैं? क्योंकि अगर किसकी बेटा, कल सुन रहे थे ना, वंश में कोई एक बेटा अगर भगवान की भजन करता है, भगवान क्या कहते हैं,
बोले कुलम पवित्रम जननी कितार्था वसुंधरा वसतिश्च धन्या नृत्यन्ति स्वर्गे पितरि पितरेषां जैसाम कुले वैष्णव नाम धेयम। एक अगर घर में वैष्णव जन्म हो जाए, भक्ति करने वाले बेटा जन्म हो जाए, क्या होता है, उसका 21 पीढ़ी उधार हो जाते हैं, हैं? और स्वर्ग में जितने पितृपुरुष नाचना शुरू कर देते हैं, और जो वसुंधरा पृथ्वी भी अपने आप को धन्य मानती है वसुंधरा, और जिस पिता माता की कोख से वो बच्चा जन्म हो, वो पिता माता के जीवन भी धन्य बन जाती है, उसका जीवन भी धन्य बन जाती है। क्योंकि बांस की टुकड़े से तो बांस के एक टुकड़ा तो बंसुरी है ना, इसलिए उनको आंखों से आंसू झरती हैं, मधु नहीं आंसू झरती हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति भजन करने पर उनके पितृपुरुष सब संतुष्ट होकर के प्रेम से आंखों से आंसू झराते हैं, ये वृक्ष से भी ऐसे ही आंसू झर रहा है। बोले ये जमुना में ये फूल खिल जाता है क्यों, जमुना में फूल क्यों खिलता है, बोले इसलिए प्रसन्न होकर के, प्रसन्न होकर। बोले प्रसन्न क्यों हो रही है, कारण क्या, बोले कारण है जैसे वृक्ष, वृक्ष कैसे होता है, बच्चा कैसे बड़ा होता है, माँ की दूध पी कर तो बच्चा बड़ा होता है ना, माँ की दूध पी कर तो बच्चा बड़ा होता है। मानो ये पानी नहीं, इसे पानी को पी करके बांस का पेड़ हुआ, मानो ये पानी हो गया क्या दूध, अरे वृक्ष हो गया क्या है कभी, ये पानी पी करके बच्चा, ये हो गया बच्चा, मानो पानी पी करके उसने बड़ा हुआ है। इसलिए यमुना नदी में और जितने सरोवर में फूल खिल रहा है, मतलब है वो प्रसन्न हो करके देखो हमारी स्तन पान करके तो ये बड़ा हुआ, और जिसका एक टुकड़ा कृष्ण की सेवा में लग रहा है, इसलिए वो पानी में एकदम पानी में फूल खिल जाती है, प्रसन्न हो जाती है, हैं। इसलिए कहते ये बंसी ध्वनी, बंसी किसने बजाई, केवल कृष्ण ने ही ये बंसुरी बजाई, और ये बंसी को किसने नहीं बजाए। इसलिए भगवान का एक माधुर्य है वेणु माधुर्य है, दूसरा माधुर्य क्या है, भगवान के लीला माधुर्य है। कहते लीला माधुर्य में कौन सा माधुर्य है, कहते भैया कृष्ण के सिवाय और कोई रास रचाया क्या, रास रचाया कौन है, बोले भगवान कृष्ण ही रास रचाए, ये इनकी लीला माधुर्य है। जो तीसरा माधुर्य ये प्रेम माधुर्य, ये प्रेम माधुर्य में श्री रूप गोस्वामी दो उदाहरण दिया है, एक उदाहरण दिया रासलीला, कितने दिन तक रास हुई, बोले ब्रह्मा की एक दिन तक रास ने किया है, ब्रह्मा की एक दिन, कितने लंबा दिन तक रास की, लेकिन गोपियों को क्या लगा, अभी रास आरंभ हुई और अभी अभी खत्म हो गया। देखना आनंद में ना समय को पता नहीं चलता है कैसे बीत जाती, लेकिन जो दुख हो ना एक एक घड़ी बीतना कठिन होता है, एक एक सेकंड बीतना कठिन होता है कष्ट में, लेकिन आनंद में क्या होता है पता ही नहीं चलता है समय कैसे बीत गई है। इसलिए दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया है, कृष्ण जब गोचरण करके आते हैं, कृष्ण बड़े सुंदर सुंदर मीठी मीठी बंसरी बजाते हैं, ये बंसी ध्वनि सुन करके जितने ब्रज की गोपियां सब काम धाम छोड़ करके सामने आ जाती हैं और कृष्ण को दर्शन करती हैं। इसलिए गोपियां क्या कहती हैं, बोले त्रुटि जुगायते त्वांग मप सता कुटिल को कला प्रेम कांचते त्रुटि जुगायते त्वां मप हसता कुटिल को कला प्रेम कांचते जड़ उदीसता गोपियां कहती हैं जब कृष्ण को दर्शन करती हैं, उदाहरण दिया कृष्ण का मुख कैसे है, बोले कमल जैसे,
और कृष्ण की जो घुंघराली कैसे कैसे हैं, मानो जैसे कमल के ऊपर में जैसे भौंरा बैठे हैं, और गैया का खूर से जो धूल उड़ करके बैठा हुआ वो कैसे लगता है, जैसे हम जैसे क्रीम लगाते ना, पाउडर लगाते हैं, वो ऐसे ही लग रहा था। और गोपियाँ जब कृष्ण को दर्शन करती हैं, वो आँख का पलक झपती हैं, आँख की पलक झपती हैं, लेकिन देखना आँख का पलक इतने जल्दी झपती हैं, हमें पता नहीं चलता आँख का पलक कब झपती हैं, लेकिन इतना समय में भी गोपियों को लगता है मानो करोड़ों युग बीत गया कृष्ण को दर्शन करते हुए, ऐसे उनको लगता है, हैं? इसलिए ब्रह्मा को निंदा करती हैं, लगता है ब्रह्मा तो सृष्टि करना जानता नहीं। अरे इतने सुंदर कृष्ण हैं, दर्शन करने के लिए दो ही आँख पर बीच बीच में पलक झप, बीच बीच में ये पलक झप रही हैं। इसलिए कृष्ण ने जब गिरिराज गोवर्धन धारण किया, सबके सब कृष्ण की मुखार बिंद को दर्शन करते हुए इतने आनंद में डूबे हुए थे, उनको 7 दिन कैसे बीत गया पता नहीं चला। जब 7 दिन बीत गई, जब 7 दिन बीत गई, इंद्र ने एक दूत को भेजा, बोले देख करके आओ ब्रजवासियों का सत्यानाश क्या हो गया कि नहीं। वो देख कर गया ऊपर ऊपर से, बोले क्या देखा, बोले महाराज इंद्र ब्रज में एक चिट्ठी तक भी नहीं, सब खत्म। उसने और एक को भेजा, तू देख कर क्या, वो तो ऊपर देख कर गया था, और इसने नीचे आया, नीचे आकर के देखा एक चिट्ठी तक भी मरी नहीं, ब्रज में तो धूल उड़ रहा था, और वहां जितने ब्रजवासी लोग बड़े सुंदर भजन गा रहे थे, नाच रहे थे, वहां पर तो आनंद, वहां पर तो उत्सव मच रहा था, हैं? बोले आज भी रज में होरी रे रसिया डोरी, आज भी रज में होरी रे रसिया।